हे गाइस वेलकम बैक। आज का ये वीडियो बनाते समय मैं यार सुपर एक्साइटेड था क्योंकि आज के इस वीडियो में हार्ड प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है पोको एक्स 3 वर्सेस मोटो जी 5G, मतलब स्नैपड्रैगन 730 2G वर्सेस स्नैपड्रैगन 750G। यार मुझे भी एक्चुअली टेस्ट करना था, तो यहाँ पे सबसे पहले पोको एक्स 3 में जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो आपको 12.0.5 देखने को मिलता है और यही लेटेस्ट था। और उसके साथ बात करूँ मोटो जी 5G की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 के साथ नवंबर 1st का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो यार पोको एक्स 3 में लेटेस्ट नवंबर का सिक्योरिटी पैच अभी तक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे दोनों भी फोन 6GB 128GB के साथ यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज में आप देख सकते हो दोनों भी फ़ोन में 6GB 128GB यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक्स्ट्रा पोको एक्स 3 में आपको 120Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो यार 120Hz आपको या 90Hz आपको मोटो जी 5G में देखने को नहीं मिलता, ओनली 60Hz यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है एक्चुअली कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे फास्ट है। तो सबसे पहला टेस्ट कर लेते हैं रिबोट का और देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन सा फ़ोन रिबोट हो जाता है। वाह भाई साहब, यहाँ पे सबसे पहले बूट हो चुका है मोटो जी 5G, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिलता है। और उसके बाद कुछ मतलब लगभग 10-15 सेकंड का डिफरेंस था और उसके बाद यहाँ पे बूट हो चुका है पोको एक्स 3, बट यार 10-15 सेकंड का यहाँ पे बड़ा डिफरेंस मुझे देखने को मिला। सो उसके साथ कर लेते हैं फ्लैश लाइट इंटेंसिटी टेस्ट और देख लेते किसका फ्लैश लाइट आपको मतलब हमें सबसे तेज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा फ्लैश लाइट तो मुझे पोको एक्स 3 में देखने को मिला। सो यहाँ पे एक डिस्प्ले है, उसके ऊपर हम इसका फ्लैश लाइट डायरेक्ट छोड़ देंगे और यहाँ पे डिस्प्ले आपको LUX में यहाँ पे रीडिंग बता देगा। जिसका रीडिंग ज़्यादा है उसका फ्लैश लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है, सिंपल है। तो यहाँ पे पोको एक्स 3 शो कर रहा है 635 लगभग LUX में। और उसके बाद मैंने चेक किया मोटो जी 5G का, तो ये शो कर रहा है 391। मतलब यार यहाँ पे पोको एक्स 3 का जो फ्लैश लाइट है उसका इंटेंसिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और गाइज यार आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखने के लिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमें 1 लाख की फैमिली बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। उसके साथ हम काइन मास्टर एप्लीकेशन से दोनों भी फ़ोन में सेम लेंथ का वीडियो क्रिएट करेंगे, सेम MB का, और सेम टाइम पे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे और देख लेते कौन सा फ़ोन सबसे पहले वीडियो को फिनिश कर पाता है। सो स्टार्ट कर लेते हैं, सो 1 2 गो। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सेम MB वगैरह सब कुछ सेम है। सो स्टार्ट। ओ भाई साहब, यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग फिनिश किया है पोको एक्स 3 ने, मतलब क्या यार। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फिनिश किया है मोटो जी 5G ने, बट यार सबसे पहले यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग फिनिश किया है पोको एक्स 3 ने। यार यहाँ पे यार मुझे मानना पड़ेगा पोको एक्स 3 को। और उसके साथ दोनों भी फ़ोन में सेम साइज़ का जिप फाइल है, इस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सेम टाइम पे और देख लेते सबसे पहले कौन सा फ़ोन एक्सट्रैक्ट कर पाता है। और ये फाइल जब जिप एक्सट्रैक्ट होता है और उसी फाइल को हम दूसरे फोल्डर में कॉपी करेंगे। भाई साहब क्या एक्सट्रैक्टिंग का स्पीड है मोटो जी 5G का, 300 MBPS से एक्सट्रैक्ट कर रहा था फाइल को। और उसके साथ यहाँ पे हम फाइल को कॉपी कर लेते दूसरे फोल्डर में, बट यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा एक्सट्रैक्ट करने में पोको एक्स 3 को। सो ये जो एक्सट्रैक्टिंग का जो फाइल था वो हम दूसरे फाइल फोल्डर में कॉपी कर लेते। भाई साहब यार क्या स्पीड है, कौन सा USF स्टोरेज यहाँ पे यूज़ किया है मोटो जी 5G में, आई डोंट नो। 300 MBPS से कॉपी कर रहा था और बहुत ज़्यादा डिफरेंस था गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टार्ट किया। मतलब दोस्तों मोटो जी 5G ने फाइल को कम्प्लीटली कॉपी करने के बाद भी पोको एक्स 3 को लगभग 22 सेकंड लगे फाइल को कॉपी करने में। उसके साथ दोनों भी फ़ोन में हार्ड मतलब फिजिकल फिंगरप्रिंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसका स्पीड टेस्ट भी हम कर लेते। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे
मोटो जी 5G का फिंगरप्रिंट का स्पीड मुझे फास्ट लगा, जो आपको फिंगरप्रिंट बैक पैनल में देखने को मिलता है और यहाँ पे साइड फ्रेम में आपको पोको X3 में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे मोटो जी 5G का फिंगरप्रिंट का स्पीड बहुत ज़्यादा है। दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन ओपन, और दोनों भी फ़ोन का रिसेंट मैंने पूरा क्लियर किया। तो सबसे पहले फ़ोन APK ओपन हुआ यहाँ पे पोको X3 में, उसके बाद मैसेज APK ओपन हुआ यहाँ पे मोटो जी 5G में, उसके साथ सेटिंग ऐप ओपन कर लेते 1, 2, go। और सेटिंग ऐप सबसे पहले ओपन हो चुका है पोको X3 में, उसके साथ यहाँ पे गैलरी ऐप, तो सबसे पहले ओपन हुआ पोको X3 में, उसके साथ यहाँ पे कैमरा ऐप 1, 2, go। और कैमरा ऐप सबसे पहले ओपन हो चुका है मोटो जी 5G ने। तो सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन 3 सबसे फास्ट ओपन किए पोको X3 ने और 2 ओपन किए मोटो जी 5G ने। उसके साथ यहाँ पे कर लेते हैं इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे किसके फास्ट है, मतलब कौन सा फ़ोन सबसे फास्ट इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करता है। फेसबुक सबसे पहले ओपन किया यहाँ पे मोटो जी 5G ने, उसके बाद इंस्टाग्राम 1, 2, go। और ये भी सबसे पहले फास्ट ओपन किया है मोटो जी 5G ने, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और स्क्रोलिंग का स्पीड मुझे स्मूथ यहाँ पे लगा पोको X3 का, जो आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देता है। उसके साथ ट्विटर, सो 1, 2, go। और ट्विटर भी सबसे पहले यहाँ पे ओपन किया है मोटो जी 5G ने, उसके साथ यहाँ पे फ्लिपकार्ट ऐप 1, 2, go। और फ्लिपकार्ट भी सबसे पहले ओपन किया है मोटो जी 5G ने, ओके। उसके साथ अमेज़ॉन 1, 2, go। और अमेज़ॉन भी सबसे पहले ओपन किया है मोटो जी 5G ने ही। उसके साथ प्ले स्टोर 1, 2, go। और प्ले स्टोर भी सबसे पहले ओपन किया है मोटो जी 5G ने। उसके साथ यहाँ पे चेक कर लेते हैं गिग बेंच 1, 2, go। और गिग बेंच सबसे पहले लोड किया है पोको X3 ने। तो मैक्सिमम इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन मोटो जी 5G ओपन करता है। उसके साथ यहाँ पे मैंने सेम टाइम पे गिग बेंच स्टार्ट किया था, तो देख लेते सबसे पहले गिग बेंच टेस्ट को कौन सा फ़ोन यहाँ पे फिनिश करता है। सो सबसे पहले यहाँ पे फिनिश कर रहा है मोटो जी 5G, और उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम लगा है पोको X3 को गिग बेंच को फिनिश करने में। और स्कोर आपके सामने है, सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर दोनों भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे देखने को मिले मोटो जी 5G का। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस तो है गाइस प्रोसेसर में, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आपको शायद पता चल रहा होगा। उसके साथ यहाँ पे ओपन कर लेते हैं गेम्स और देख लेते हैं सबसे पहला कौन सा फ़ोन ओपन करता है सबवे सर्फ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन किया है मोटो जी 5G ने, ओके। परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है गाइस 750G में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके साथ यहाँ पे टेम्पल रन 1, 2, go। और टेम्पल रन भी यार सबसे पहले यहाँ पे ओपन हो चुका है मोटो जी 5G में ही। तो यार ये कौन सा वर्जन मैंने इंस्टॉल किया, ओके। उसके बाद ओपन कर लेते हैं PUBG KR वर्जन और देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फ़ोन ओपन करता है। तो असली परफॉर्मेंस का जो भी इम्प्रूवमेंट है यहाँ से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे सेम टाइम पे मैंने ओपन किया है, तो दोनों भी फ़ोन में यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। और एक्चुअली जो भी फ़ोन पहले ओपन करता है वहाँ से दूसरे फ़ोन कितना टाइम लगेगा ये भी स्टॉप वॉच हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन किया है मोटो जी 5G ने PUBG को ओपन किया है, और उसके बाद यहाँ पे लगभग 4 सेकंड ही लगे हैं। सो दोस्तों 4 सेकंड से मोटो जी 5G PUBG ओपन करने में फास्ट है एज कम्पेयर टू पोको X3। उसके साथ चेक कर लेते हैं PUBG के ग्राफिक सेटिंग और देख लेते हैं किसके हायर सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक 750G जो मोटो जी 5G में देखने को मिलता है उसके ग्राफिक सेटिंग्स थोड़े ज़्यादा होंगे। तो चलते हैं ग्राफिक्स में, अरे बाप रे, HD में हाई का सपोर्ट दे रहा है ओनली, और अल्ट्रा में स्मूथ का सपोर्ट दे रहा है मोटो जी 5G। मतलब आपको PUBG में ओनली 40 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा मोटो जी 5G में, ये बात मुझे ठीक ठाक नहीं लगी। और पोको X3 में भी आपको सेम ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलते हैं जो मोटो जी 5G में देखने को मिल रहे थे। उसके साथ कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट, जो मैंने एप्लीकेशन ओपन किए थे स्पीड टेस्ट में SRN के रिसेंट में। तो स्टार्ट कर लेते हैं फेसबुक,
सबसे यार यहाँ पे री ओपन किया है पोको X3 ने, रैम मैनेजमेंट में था मोटो जी 5G के, इंस्टाग्राम फिर से री ओपन किया है पोको X3 ने और रैम मैनेजमेंट में था मोटो जी 5G के, ट्विटर फिर से री ओपन किया है पोको X3 ने, इतना घटिया रैम मैनेजमेंट, उसके साथ फ्लिपकार्ट फिर से री ओपन किया है पोको X3 ने, अमेज़ॉन फिर से री ओपन किया है पोको X3 ने और रैम मैनेजमेंट में था मोटो जी 5G के, उसके बाद प्ले स्टोर दोनों भी फ़ोन की रैम मैनेजमेंट में है, उसके बाद यहाँ पे गिग बेंच फिर से रीओपन किया है पोको X3 ने, पोको X3 ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके साथ गेम्स यहाँ पे सब वेसर पे दोनों भी फ़ोन की रैम मैनेजमेंट में है, ये गुड थिंग है। उसके साथ टेम्पल रन दोनों भी फ़ोन के रैम मैनेजमेंट में है, ओके वेरी गुड। उसके साथ यहाँ पे चेक कर लेते हैं पबजी दोनों भी फ़ोन के रैम मैनेजमेंट में है, बट जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन से थे सारे पोको X3 ने किल किए हैं और एक सिंगल एप्लीकेशन रीओपन नहीं किया है मोटो जी 5G ने, इतना बढ़िया रैम मैनेजमेंट है मोटो का, वेल डन मोटो, कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया इससे ही आपको पता चलता है कि यार रैम मैनेजमेंट में थोड़ा सा भी कमी मुझे देखने को नहीं मिली। और बात करें ओवरऑल इस स्पीड टेस्ट की, यार सच में 732G से 750G में परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है और यहाँ पे बहुत अच्छे से आपने देखा ही होगा। सो गाइज, और कौन कौन से टेस्ट चाहिए मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं और इन दोनों में से आपके पास कौन सा फ़ोन है ये ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।